Hi guys, and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हमारा light, right? Revision series में एक step और आगे हम लोग forward चले और हम आज बनाने जा रहे हैं क्या light? That is what reflection and refraction. I think this is one of the most important chapters of your science, right? क्योंकि ये अकेला chapter बहुत ज़्यादा weightage रखता है, ठीक है? और ऐसा चैप्टर है कि काफी ज्यादा लेंथी है, काफी ज्यादा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इससे शॉर्ट शॉर्ट है कि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सारी चीजें इसके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज हम इसके भी सारे मिथ्स को कि भाई बहुत प्रॉब्लम होती है सर, समझ में नहीं आता, क्या करें, कैसे करें, इतना बड़ा चैप्टर है, किस तरीके से कंप्लीट होगा, तो वो सारे मिथ्स जो आपको क्रिएट करते हैं माइंड में प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। कहने को तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या नहीं है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है, फिर भी प्रीवियस इयर्स के एनालिसिस के बेसिस पर मैं इतना बोल सकता हूं कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है? टीचर पे डिपेंड करता है क्या दे, लेकिन अगर देता है तो कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, राइट? सेकेंड पोर्शन लेंसेस के ऊपर न्यूमेरिकल, तो दोनों में से Let's see who will win. Either lens will win or a mirror will win. ठीक है? But दोनों में से एक point के ऊपर numerical आएगा ही आएगा, ठीक है? Second thing, refraction important है, आपसे refraction पूछा जा सकता है. Glass slab important है, साथ साथ आपसे refraction के ऊपर Snell's law को use करते हुए एक numerical generate करने की कोशिश करी जा सकती है conceptual questions के अंदर, ठीक है? जो आपका सेक्शन आई थिंक सेक्शन बी आता है एंड इट इज ऑफ 2 मार्क, ठीक है? उसके अलावा जो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट रे डायग्राम्स, ठीक है? हो सकता है कि आपके पास रे डायग्राम्स भी आ जाएं, और देखिए पर्टिकुलरली जब मैं रे डायग्राम्स कराऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि कौन सा रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, किस रे डायग्राम पे आप फोकस करें और किस पे ना करें, ठीक है? राइट, दिस कैन क्रिएट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम जो जनरली निग्लेक्ट करते हैं, द यूजर्स ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज लेंसेज, दे माइट गोइंग टू आस्क यू इन 2 मार्क क्वेश्चन दैट व्हाट आर द यूजर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मिरर्स और लेंसेज। उसके अलावा ठीक है, आपको दे सकते हैं कि रियर व्यू में कौन सा यूज होता है, ठीक है? डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, ठीक है ना? और सोलर पैनल्स के अंदर किस तरीके की चीजें यूज करी जाती है, ठीक है? कौन सा मिरर होता है या कौन सा लेंस होता है, ठीक है? तो यहां से क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको करना क्या है अटेम्प्ट करते समय, ठीक है? मैं उसकी भी बात करता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम लोग फोकट के नंबर जुगाड़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग? फोकट के नंबर जुगाड़ेंगे पेपर के अंदर, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से फोकट के नंबर जुगाड़ेंगे कि टीचर को भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये गलतियां करी हैं पेपर बनाते समय, ठीक है? राइट, आपसे जब न्यूमेरिकल कंटेंट पूछा जाए, अगर बोला जाए तो भी और ना बोला जाए तो भी शो सम स्मार्टनेस, ठीक है? राइट, हार्डवर्क प्लस स्मार्टनेस गिव्स यू अ बेस्ट रिजल्ट, ठीक है? राइट, Only hardness will give you a better result. Along with smartness, it becomes best. ठीक है? तो आप क्या करें कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है, ठीक है? सबसे पहली चीज आप वहां से पकड़ो, What are the characteristics of the image so formed? Number one thing. Second thing, ray diagram. पूछे या नहीं पूछे, स्टिल यू हैव टू मेक, ठीक है? तो आप एक चीज रे डायग्राम बनाए, दूसरी चीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दे, भले क्वेश्चन में लिखा हो, राइट? इफ इट्स इज वर्चुअल, राइट द वर्चुअल इमेज, इट फॉर्म्स यहां पर, ठीक है?
ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो बन कहां पे रही है, क्योंकि जब आप रे डायग्राम डिजाइन करोगे यू विल डेफिनेटली गेट द थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के फॉर्मूला गिवन ये काम करेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास रे डायग्राम बनाने के लिए आया पेपर में, सपोज कीजिए आपको नहीं आ रहा, भूल गए, मैं अभी यह ट्रिक बताऊंगा पक्का आ जाएगा, लेकिन फिर भी भूल गए, टेंशन है एग्जाम की यार, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो हम भूल गए मान लो, कोई बात नहीं, डरो मत, भूले ही तो है, हमें ये तो पता है कि करैक्टरिस्टिक क्या होती है, भूल गए। ठीक है, रे डायग्राम छोड़ दो वहीं पे और लिख दो सारी करैक्टरिस्टिक उठाकर। ठीक है, राइट, ऑब्जेक्ट बना दो, मिरर लेंस जो आता है वो बना दो बस। ठीक है, लाइन को मीट मत करवाना, गलत मत करना, गलत किया तो जो लिखा है हमने फोकट के नंबर के लिए वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप क्या करें, हाईलाइट करें। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इन चीजों के ऊपर हाईलाइटेशन करना है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फोकट के नंबर है जो हम जुगाड़ सकते हैं। मान लो कि रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ गया, हमें नहीं पता क्या करना है, गिवन लिखो, फॉर्मूला डालो, खत्म कर, टीचर विल डेफिनेटली गिव यू अ नंबर। तो इस चैप्टर में जितना टफ है उतना ही इजी है इस चैप्टर से मार्क्स उठाना। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, इस चैप्टर से मार्क्स उठाना उतना ही आपके लिए इजी है, फ्री फंड के मार्किंग है वो सब उठाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट के साथ। आई थिंक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, राइट की करेक्टरिस्टिक्स, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नंबर वन, स्पीड हमें पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सारी चीजें पता है। ठीक है, दे डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, सन से जो लाइट हमारे पास आती है वो वैक्यूम में ट्रेवल होकर आती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, लाइट जब भी ट्रेवल करती है इसके अंदर दो फिनोमेना एक साथ होते हैं। ठीक है, वन इज रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, पर्टिकुलरली आज की वीडियो रिफ्लेक्शन पे फोकस होगी, सेकेंड वीडियो रिफ्रैक्शन पे फोकस होगी। न्यूमेरिकल कंटेंट्स दोनों के सेपरेट, क्वेश्चन कंटेंट दोनों का सेपरेट मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन, री मतलब अगेन, फ्लैक्शन मतलब फेंकना, जब लाइट गई किसी चीज से टकराई उस चीज ने उसको वापस से फेंक दिया उसी मीडियम के अंदर बट डायरेक्शन चेंज कर दिया, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, कहां से, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मीडिया, ठीक है, और अ मीडियम, इन सेम मीडियम बट अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट रिफ्लेक्शन फिनोमिना है डायरेक्शन चेंज करने का बट इन द सेम मीडियम। आप भूल जाओ डेफिनेशन, ये लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फंडा यूज करें, री मींस अगेन, फ्लैक्शन मींस फेंकना। ठीक है, तो इट इज अ फिनोमिना ऑफ थ्रोइंग अ लाइट बैक इन द सेम मीडियम बट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, जितने भी पॉलिश सर्फेसेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, अनपॉलिश सर्फेसेस रिफ्लेक्ट कम करते हैं। इट मींस के आपको हर सर्फेस से एक ही तरीके का रिफ्लेक्शन होता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट, अगर हम लोग कांच पे लाइट डालें तो रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, बट अगर लकड़ी के गेट पे डालें तो रिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, राइट, ओके, नाउ देखिए, ये लाइट रे गई, जाने वाली लाइट रे इंसिडेंट रे कहलाती है, ये प्लेन मिरर से स्ट्राइक करी और एक तरफ ये पॉलिश होना चाहिए प्लेन मिरर, एक तरफ अनपॉलिश होना चाहिए, रिफ्लेक्शन अच्छा करेगा। ठीक है, ये लाइट रे गई टकराई, जिस पॉइंट पे टकराती है ऑन अ प्लेन मिरर इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्ट होके चली गई। देखिए मीडियम वही है बट उसका डायरेक्शन ये था आने का और जाने का डायरेक्शन ये है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके चली गई सेम मीडियम में बट विद अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देखिए यहां पर इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है राइट ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. वन मोर थिंग कि ये जो एंगल है नॉर्मल नॉर्मल प्लेन मिरर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. तो आपके पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि लाइट रे इतने डिग्री पे इंसिडेंट हुई है प्लेन मिरर के साथ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए. तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है. अगर वो बोले प्लेन मिरर के साथ एंगल दिया है तो 90 माइनस करके एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें. लेकिन अगर वो बोले नॉर्मल के साथ इतना एंगल बना रही है देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम. तो देखिए दो लॉज है हमारे पास रिफ्लेक्शन के. पहला इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक ही प्लेन में लाया करते हैं नंबर वन. ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना तो देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के अंदर लॉ नंबर वन सेम रहता है लॉ नंबर टू दोनों के चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है राइट तो चलिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है. अगर सपोज कीजिए कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है ठीक है ना यहीं से दिस बिकम्स इंसिडेंट रे तो आप नॉर्मल भी यहीं पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है तो वो रिफ्लेक्ट होके भी कहां जाएगी इसी डायरेक्शन में. फॉर एन एग्जाम्पल हम यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए सपोज कीजिए इफ दिस इज अ प्लेन मिरर ठीक है और ये लाइट इंसिडेंट हो रही है दिस इज इंसिडेंट रे. ठीक है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके भी किस डायरेक्शन में जाएगी इसी में. और अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल बी 0 डिग्री. ठीक है क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे बिल्कुल एक दोनों के साथ ओवरलैपिंग करके चलती है. ठीक है राइट नाउ We have a type of reflections. We have two types of reflections depending on the surface from which they get reflected. ठीक है Number one is regular. ठीक है And the second one is diffuse. इसको हम irregular reflection भी कहते हैं. वो reflection जो plane surface से हुआ है that is known as regular reflection. Incident ray parallels है reflection होने के बाद reflected ray भी parallel दी जाएगी. ये laws of reflection को follow करेगा और इमेज अच्छी बनाएगा. ठीक है दिस इज व्हाट रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट जब हम इररेगुलर सरफेस ऊबड़ खाबड़ सरफेस से रिफ्लेक्शन करते हैं ठीक है आने वाली लाइट रेस तो पैरेलल है बट जाने वाली लाइट रेस का डायरेक्शन कंफाइंड नहीं है. कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है और कोई इधर जा रही है. इट मीन्स क्या हुआ कि यहां पर जब इमेज बनाने की बात आएगी तो कोई प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट हो गए नहीं. हम क्या बोलेंगे कि इस सरफेस में इररेगुलरिटीज की वजह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हुए. ठीक है राइट तो दिस इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको अच्छी इंटेंसिटी की रिफ्लेक्टेड लाइट देगा. इररेगुलर रिफ्लेक्शन आपको अच्छी इंटेंसिटी की रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं देगा इमेज फॉर्मेशन में. अब जब इमेज की बात चली है तो इमेज बता देता हूं क्या होता है. इमेज क्या है ठीक है मैं बोल रहा हूं आई एम अ ऑब्जेक्ट. आप लोगों के कैमरा के ऊपर के यूट्यूब के ऊपर जो दिख रहा है दैट इज इमेज. तो इमेज इज व्हाट ऑप्टिकल इल्यूजन. ऑप्टिकल मींस लाइट इल्यूजन मींस बहकावा. लाइट का बहकावा है ठीक है राइट इट इज नॉट एक्चुअली देयर ठीक है बट इट अपीयर्स टू बी देयर. तो इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन. कब प्रोड्यूस होता है जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आएंगी और मीट करेंगी या फिर टेंड्स टू मीट करेंगी ठीक है अपीयर्स टू मीट या तो एक्चुअली मीट करेंगी या हो सकता है हम उनको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो मीट करें तो जो बनेगा दैट इज नोन एज इमेज. ठीक है राइट ओके द नेक्स्ट वन इज एक इमेज इज फॉर्म्ड when the light rays meet or appears to meet after reflection or refraction. ठीक है now lateral inversion. lateral inversion के अंदर क्या होता है for an example आप अपने आप को कांच में देखो आपने सीधा हाथ ऊपर किया आपका उल्टा हाथ दिखेगा कांच के अंदर ऊपर होता हुआ. तो यानी कि lateral inversion वो phenomena है जिसके अंदर क्या होता है लेफ्ट साइड बिकम्स राइट एंड द राइट साइड बिकम्स लेफ्ट. आपकी बॉडी
बिल्कुल लेफ्ट की राइट हो जाएगी और राइट पार्ट बिकम्स लेफ्ट पार्ट, ठीक है। लेटरल मीन्स पैरेलल, इन्वर्जन मीन्स उल्टा हो जाना, ठीक है ना, पैरेलल ही उल्टा हो जाना। तो राइट हैंड बिकम्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट हैंड बिकम्स राइट हैंड, ठीक है, दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आपने देखा है कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, ठीक है, बट जब हम लोग उसको हमारी गाड़ियों के कांच में देखते हैं तो वो एम्बुलेंस सीधा देखता है, ठीक है, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, राइट। तो चलिए अब एक चीज बता देता हूं, प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन जनरेट करता है। तो अब हम चलते हैं इमेजेस कैसी कैसी होती है एंड हाउ द इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस। देखिए हमारे पास दो तरीके की इमेजेस हैं, नंबर वन इज व्हाट रियल इमेज एंड द सेकंड वन इज व्हाट वर्चुअल, ठीक है, राइट। पहले तो आप बोलोगे सर पहले ही इमेज इल्यूजन है, इल्यूजन में भी रियल और वर्चुअल, ठीक है। रियल इमेजेस वो होती हैं जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, नंबर वन। सेकेंड करेक्टरिस्टिक, रियल इमेजेस के अंदर रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे एक पॉइंट पे मीट करती हैं, बिकॉज जब लाइट रे मीट करेगा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो ही हम लोग क्या बोलेंगे कि रियल इमेज बना है। लेकिन अगर लाइट रे मीट नहीं कर रही है रिफ्लेक्शन होने के बाद तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज नहीं है, तो फिर कौन सा बना, वर्चुअल इमेज, ठीक है, राइट। तो ये प्लेन मिरर के केस में ये लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, सबसे पहली चीज याद रखें आने वाली लाइट का डायरेक्शन बनाना है, जाने वाली लाइट का भी डायरेक्शन बनाना है। अगर नहीं बनाया तो टीचर को पूरा राइट है कि वो उसको रॉन्ग कर दे, पूरा राइट है टीचर को कि वो उसको क्या कर दे, रॉन्ग कर दे। तो इसीलिए आने वाली लाइट का भी डायरेक्शन, जाने वाली लाइट का भी डायरेक्शन ये आपको जरूर करना है, ठीक है, राइट। चलिए तो ये लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब यहां पर हम लोग खड़े थे और हम लोग देख रहे थे, तो क्या लाइट रे मीट कर रही है रिफ्लेक्शन करने के बाद, ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर नहीं कर रही, और जब नहीं कर रही तो फिर किस बात की इमेज और क्यों इमेज बनेगी। तो इसीलिए प्लेन मिरर के केस में कभी भी रियल इमेजेस का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन एक चीज देखो, जादू हुआ यहां पर, क्या जादू हुआ, जब हमने लाइट को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि मिरर के पीछे एक जगह ये जाकर मीट कर रही थी और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इट मींस एक्चुअली मीट नहीं कर रही, बट जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया दे टेंड्स टू मीट, और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के बाद जो इमेज बनता है दैट इज व्हाट वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा पीछे की तरफ बनेगा, रियल इमेज हमेशा आगे की तरफ बनेगा। रियल इमेजेस में लाइट एक्चुअली मीट करेगी, वर्चुअल इमेजेस में लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, बट इट अपीयर्स टू मीट, ठीक है। साइज देखिए दोनों का एग्जैक्टली सेम है, यानी कि वर्चुअल इमेजेस के अंदर साइज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, लेकिन अगर रियल इमेज बनता तो देखो रियल इमेज कहां बनता, नीचे की तरफ। तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है ऊपर की तरफ, बट रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो इफ ऑब्जेक्ट अपसाइड देन द इमेज विल बी डाउनसाइड, तो वो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। दे ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, दे ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है, राइट। इनसे लाइट एक्चुअली पास करती है रियल इमेजेस से, वर्चुअल इमेजेस से लाइट एक्चुअली पास नहीं करती, यानी कि हम जो कांच में देख रहे हैं वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है, क्योंकि वो कांच के पीछे बन रहा है। लेकिन अगर गलती से किसी दिन वो आपके बिल्कुल साथ में बन गया इमेज, तो आप सोच लीजिएगा दैट इज रियल इमेज, ठीक है ना, और वो भूत है और कोई नहीं है उसके अलावा, ठीक है ना। चलिए नाउ रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के ये पांच कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो राइट, देखिए ये प्लेन मिरर है, ये लाइट ने आई, टकराई और चली गई, एक्चुअली मीट नहीं कर रही, अपीयर्स टू मीट कर रही है। जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे रखी हुई है, यानी कि पोजीशन सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगा बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ फ्रंट ऑफ द मिरर। कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन।
पीछे बन रही है वर्चुअल इमेज, नंबर टू। नंबर थ्री इराक, साइज सेम, दैट इज फोर। वर्चुअल इमेज लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना फॉलो करती है, एक इन्वर्टेड होता है एक लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्टेड ऊपर का नीचे, एंड व्हाट अबाउट लेटरल इन्वर्जन, सीधे का उल्टा और उल्टे का सीधा, ठीक है, सेम साइज एंड कैन नॉट टेक इट ऑन द स्क्रीन। तो अभी तक के काम से मिरर के से हमें यह समझ में आ गया कि मिरर बहुत ही नालायक है। क्यों नालायक है? क्योंकि वो ना तो लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे और ना ही डाइवर्ज कर रहा है, हमें रियल इमेज भी नहीं बना के दे रहा। तो व्हाट अबाउट रियल इमेजेस, अब रियल इमेज बनती कब है वो बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका, प्लेन मिरर का, कि प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेजेस नहीं बना सकता। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वन। तो अब आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा और कितना छोटा है, ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय एम एंड इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो इसीलिए काट के क्या बनता है वन। तो जो प्लेन मिरर होते हैं उनका मैग्निफिकेशन हमेशा वन ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कंसेप्चुअल जनरेट होगा, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन कंसेप्चुअल जनरेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब देखिए अब काम करना तो पड़ेगा, देखो कन्वर्ज भी नहीं हुई और डाइवर्ज भी नहीं हुई है, तो कन्वर्ज भी करनी है और डाइवर्ज भी करनी है, उस चीज के लिए हम लोगों ने क्या लिए, स्फेरिकल मिरर्स। हम लोगों ने एक स्फेयर लिया और उसके आधे भाग को काटकर मिरर बना दिया, ठीक है, राइट, एंड दिस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। तो यहां पर जो कंप्लीट पार्ट है ये वाला, दिस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब अगर इसको बाहर से मैं क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, देन इट बिकम्स व्हाट, कॉनकेव मिरर। और अगर हम अंदर से पॉलिशिंग कर दें, ठीक है, देन इट बिकम्स व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो तरीके के मिरर्स होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स की बात करता हूं। इस सर्कल का सेंटर जिससे काट के मिरर बनाया गया है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, राइट। एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही है प्लेन मिरर के, ठीक है, सॉरी स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, दैट पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड थिंग इज पोल, वो पॉइंट बिल्कुल मिरर के सेंटर पर जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, दैट इज नोन एज पोल, ठीक है। यहां से जो भी लाइट पास होगी, ना तो उसमें रिफ्लेक्शन होता और ना ही उसमें रिफ्रैक्शन होता, ठीक है। अब बोलोगे क्यों बता रहा हूं, कभी कभी आ जाता है, लास्ट टू लास्ट ईयर बोल दिया था कि इन तीन चीजों को बताओ, इन तीन चीजों की डेफिनेशन लिखो, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ मिरर और अ लेंस, ठीक है। इसीलिए नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। अब देखिए जब लाइट रे इसके पैरेलल जाएंगी, ठीक है, तो ये अपनी क्वालिटी दिखाएगा, तो या तो एक पॉइंट पे फोकस करेगा, कन्वर्ज करेगा, या फिर उनको डाइवर्ज कर देगा। तो लाइट रे जब एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन करने के बाद मीट करती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, और ये क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा। तो अज्यूम कीजिए दिस इज व्हाट, फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, दिस इज नोन एज फोकस। तो फोकस क्या हुआ, वो पॉइंट जिसके ऊपर लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद मीट कर रही है या अपीयर्स टू मीट कर रही है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है, राइट। और यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इसीलिए क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और इसका पोल से डिस्टेंस हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फोकल लेंथ, क्या कहलाती है ये, फोकल लेंथ ऑफ
स्फेरिकल मिरर, ठीक है. नाउ देयर इज वन रिलेशन दैट रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है. राइट, ये दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए है. नाउ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? वो मिरर जो लाइट रे पैरेलल लाइट रेस को रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करते हैं. दीज मिरर्स आर नोन एज कॉनकेव मिरर. एट दिस पॉइंट जहां पर वो मीट कर रहे हैं दिस इज नोन एज फोकस, और यहां से पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ. तो अब ये जब एक पॉइंट पे इनको फोकस कर रहे हैं और एक्चुअली लाइट रे मीट कर रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा? रियल फोकस. तो कॉनकेव मिरर्स हैव रियल फोकस. रियल आप वर्ड वहां पर ही यूज करोगे जहां पर लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है. राइट, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर्स, ठीक है. ये सारे के सारे कन्वर्जिंग मिरर्स कहलाते हैं. तो अगर सपोज करो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखें फोकस पे और यहां से लाइट रे गई तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, जैसा कि सर्विलियंस लाइट के केस में होता है, ठीक है. हमारे हेडलाइट्स स्कूटर्स की, ठीक है. राइट, वो सब इसी फंडे पे क्या करती हैं? काम करती हैं. नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स से लाइट रे गई, रिफ्लेक्स, अगेन इट रिफ्लेक्स, डाइवर्ज हो रही है. सारी की सारी लाइट रे क्या करता है? डाइवर्ज करता है. तो अब देखिए कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करेगा, बट कॉनकेव मिरर मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स रियल इमेजेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है. तो एक मिरर जो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है वो कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स. अब देखिए लाइट अपीयर्स टू मी, ये इस पॉइंट पे लाइट रे मीट कर रही है, दैट इज नोन एज फोकस. अब देखिए इसका जो फोकस है वो मिरर के पीछे लाई करता है, ठीक है. पहली चीज, लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट कर रही है. इट मींस इट फोकस इज व्हाट? वर्चुअल, ठीक है. राइट, एंड दिस मिरर इज व्हाट? डाइवर्जिंग, ठीक है. इनके अपने अपने यूजेस हैं, दैट आई लेट यू नो लेटर ऑन, ठीक है ना. तो ये कॉनकेव मिरर और ये क्या हो गए? कॉन्वेक्स मिरर. अब हम बात करेंगे इनके किसके ऊपर? रे डायग्राम्स के ऊपर. तो देखिए कॉनकेव मिरर के टोटल 6 रे डायग्राम है, ठीक है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ 2 रे डायग्राम है, ठीक है. अब मैं यहां पे सबसे पहले आपको केस बता देता हूं और उन केसेस के बारे में हम लोग सीधे सीधे क्या कर देते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना. कहां रख सकते हो और कहां इमेज बनेगी एक शॉट में. मैं किसी का भी रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना. चलिए हम लोगों ने कॉनकेव लिया है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. आप कहां कहां ऑब्जेक्ट रख सकते हो? ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहां पुट कर सकते हो पोल और फोकस के बीच में. ऑब्जेक्ट नंबर 2 आप फोकस पे पुट कर सकते हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, 5वां, ठीक है. और एक छठा आप कहां रख सकते हो? एट इंफिनिटी, ठीक है. राइट, देखिए अब पहली चीज आप नोट कीजिए कि सिर्फ इसके लिए कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा. कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा. और वो कहां बनेगी? यहां पे बनेगी, और कंपैरेटिवली बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, ठीक है ना. जैसा किस केस में होता है, हम लोग शेविंग मिरर यूज करते हैं, ठीक है. बेसिकली गर्ल्स यूज करती है आईलाइनर्स लगाने के लिए, ठीक है ना, मेकअप करने के लिए. उन सब केसेस में जब हमें एनलार्ज व्यू चाहिए तो हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, एंड इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. तो कॉनकेव मिरर सिर्फ एक केस के लिए वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है. आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट कहां है? पोल और फोकस के बीच में. इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल. साइज कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है. राइट, नाउ जब फोकस पे रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी के ऊपर,
ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा इमेज आगे आती जाएगी और इमेज छोटी होती जाएगी। तो देखिए यहां पे बड़ी है, यहां पे भी बड़ी होगी, बट ये ऊपर है और ये कहां बन रहा है, नीचे। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है और इमेज कहां बन रही है, नीचे, और जो ऊपर का नीचे बनता है दैट इज व्हाट रियल इमेज इज। तो यहां पर ये जो कॉनकेव मिरर है इन पांचों केसेस के लिए कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर लाई करेगी, ठीक है। तीसरे केस के लिए मैं डैश से डिनोट कर रहा हूं, थर्ड केस के लिए ये कहां बनाएगा इमेज, इस पोजीशन पे बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, राइट। फोर्थ पोजीशन के लिए अगेन फोर्थ का कहां पे बना के रख देगा, फोर्थ के ऊपर, यहां पे साइज कैसा होगा, सेम साइज, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, इमेज आगे आ रही है, यहां पर साइज कैसा था इन दोनों केसेस के लिए, एनलार्ज्ड, यहां पर बराबर हो गया और अब इन दोनों केसेस के लिए छोटा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब फिफ्थ पोजीशन पे रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज कहां बनेगी, थर्ड पोजीशन के ऊपर, और जब इंफिनिटी पे रखा था तो कहां बनेगी, फोकस के ऊपर, और इन दोनों के अंदर साइज कैसा होगा, छोटा, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर एंड बेसिकली कॉनकेव। कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ दो केसेस होते हैं, नंबर वन पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा है, ठीक है, राइट। तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो पोल और फोकस के बीच में होगी एंड इट इज वर्चुअल, तो वर्चुअल फिक्स है कॉन्वेक्स के साथ, और सेकेंड कहां रखा होगा, इंफिनिटी पे, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस के ऊपर। तो आप दो तीन चीजें नोट कर लें कि फोकस पे है तो इंफिनिटी, इंफिनिटी पे है तो फोकस, थर्ड पोजीशन पे है तो फिफ्थ पे इमेज बनेगी, और फिफ्थ पे है तो थर्ड पे बनेगी, फोर्थ की फोर्थ सेम साइज, ठीक है, पीछे बड़ी है और आगे आ जाएगी इमेज तो क्या होती चली जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, पोजीशन नंबर थ्री, ठीक है, पोजीशन नंबर फोर एंड पोजीशन नंबर फाइव, बट मैक्सिमम जो आपसे पूछा जाता है दैट इज व्हाट, पोजीशन नंबर थ्री, वन एंड फाइव, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, टू के लिए सिक्स और सिक्स के लिए टू कभी नहीं आएगा, ना ही इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, और 90% न्यूमेरिकल्स आते हैं थ्री और फाइव के लिए। ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एंड द इमेज फॉर्मेशन इज बियॉन्ड सी, या फिर बियॉन्ड सी रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल कंसेप्ट जनरेट होता है, दूसरा कोई जनरेट नहीं होता। बट अगर कॉन्वेक्स में अगर क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल तो वो सिर्फ एक केस का होगा, और आप उसका आंसर भी जानते हैं, ऑब्जेक्ट रखा होगा पोल से लेके इंफिनिटी के बीच में और इमेज फॉर्मेशन होगा पोल से लेके फोकस के बीच में, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में इंफिनिटी कोई नहीं पूछने वाला, इसीलिए उसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट, साइन कन्वेंशंस, के साइन कन्वेंशंस, चलिए गाइस अब करते हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज व्हाट साइन कन्वेंशन। एंड आई नो आप सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साइन कन्वेंशन में आती है, इसीलिए मैंने पूरा एक बोर्ड ही घेर लिया आपके लिए, इससे सिंपल मैनर में आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। मैथ्स हम सब पढ़ते हुए आए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर ही काम करना है। सपोज कीजिए ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम है और ये जो मिरर है ये बिल्कुल उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट पे रखा है, एंड दिस इज पोल, 0.0 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, ठीक है ना। हमने एक्स एक्सिस पे लिए पोजीशन और वाई एक्सिस पे लिए हमने हाइट, तो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा पोजीशन कॉमा हाइट का। तो यहां से फर्स्ट कोऑर्डिनेट चालू करते हैं, यहां पे सब पॉजिटिव, यहां पर पोजीशन नेगेटिव हाइट पॉजिटिव, यहां पे सब नेगेटिव और यहां पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। अब देखिए मिरर के अंदर यहां कुछ नहीं आता तो इसको तो काट दो, आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है, राइट। अब सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा यहां रहता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे मिरर हो चाहे लेंस हमेशा नेगेटिव आएगी और हाइट उसकी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो जो इस साइड है ऊपर
वो नेगेटिव पोजीशन और हाइट पॉजिटिव। और अगर मैं इसके नीचे भेज दूं, अब मैं बात करता हूं इमेज की, इमेज एक रियल बनती है और एक वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज आपको यहां पर है, इस साइड है, मिरर के पीछे है, तो हाइट भी पॉजिटिव और पोजीशन भी पॉजिटिव। तो जो मिरर के पीछे होगा उसकी हाइट पोजीशन सारी चीजें पॉजिटिव, और जो मिरर के सामने होगा ठीक है तो उसकी पोजीशन नेगेटिव। तो अब रियल इमेज कहां पर बनती है, यहां इस तरफ मिरर के फ्रंट में पोजीशन नेगेटिव हो गई, और नीचे की तरफ बनी है इसीलिए हाइट भी इसकी क्या हो गई, नेगेटिव। तो इन केस ऑफ मिरर आप जहां पे रियल वर्ल्ड देखें सारी चीजों को नेगेटिव कर दे, रियल वर्ल्ड नेगेटिव। वापस से बोला है मैंने एक बार कि आप जहां पे भी रियल वर्ल्ड देखें मिरर के अंदर सब नेगेटिव कर दें, फिर चाहे हाइट हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे इमेज हो, ठीक है राइट। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव रखना, और जहां पे भी वर्चुअल वर्ल्ड देखें वहां पे सब पॉजिटिव कर दें, हाइट पोजीशन फोकस सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है। तो मिरर्स के लिए जो भी चीज रियल है वो नेगेटिव ही रहेगी, सारी चीजें नेगेटिव, फोकस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नेगेटिव, इमेज की पोजीशन नेगेटिव, ठीक है। और देखिए कॉनकेव मिरर का फोकस इन फ्रंट बनता है तो वो भी क्या हो गया, नेगेटिव। कॉन्वेक्स का पीछे की तरफ बनता है तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है राइट। और सेम तरीके का, एग्जैक्ट सेम तरीके का साइन कन्वेंशन चलता है किसके अंदर, लेंसेस के अंदर। तो वो साइन कन्वेंशन भी मैं आपको बता देता हूं जिससे हमें यही चीजें दो दो बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ दिस इज अ लेंस कंसिडर कीजिए, ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया, लेंस बन गया, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब देखिए यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब चलते हम लोग यहां पे, चलिए अब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस कहां होगा कॉन्वेक्स लेंस का, पीछे की तरफ, तो इसका मतलब इसका फोकस कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है राइट। इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, कॉन्वेक्स के अंदर नीचे की तरफ, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है राइट। तो क्या होगा इमेज फॉर्मेशन, यहां पर रियल इमेज बन रही है, पोजीशन पॉजिटिव, और हाइट जो नीचे की तरफ है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है राइट। तो जहां पे भी रियल वर्ड आ जाए किसमें, लेंसेज में, आप क्या लेंगे, पॉजिटिव हाइट, पॉजिटिव फोकस, बट इमेज ऑलवेज नेगेटिव, इमेज कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। बट यहां पर ये चीज नेगेटिव रहती है, दैट हाइट ऑफ अ रियल इमेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्चुअल की, यहां पे भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, ये दोनों पोर्शन ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन इस पोजीशन पे होता है, दिस इज वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स के लिए, वर्चुअल इमेज इन फ्रंट ऑफ लेंस है तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव, एंड द सेकेंड थिंग ऊपर है तो इसकी हाइट क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है राइट। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर मिरर एज वेल एज लेंस, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला की, सॉरी मेरा फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन अगर ये लेंस फॉर्मूला हो तो सिर्फ ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एल्स ईच एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है ना। नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, आई अपॉन ओ, हम मिरर की बात कर रहे हैं, एंड माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन अगर वन है इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है इसका मतलब क्या हुआ, इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, लेस देन वन है, ठीक है राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा जो मैग्निफिकेशन आता है वो नेगेटिव आता है, ध्यान रखिएगा। प्लेन मिरर का वन, और कॉनकेव में नेगेटिव भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। एंड सेम विद द केस ऑफ लेंसेज, लेंसेज के अंदर भी मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव भी है, वन भी है, जीरो भी है, कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, ठीक है। तो मिरर के अंदर और लेंस के अंदर एक ही डिफरेंस है,
मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स लेंस ले लेता है और लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मिरर ले लेता है इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो गाइस ये हुआ हम लोगों का क्या रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के साथ हमने मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी गाइस। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।